नमस्कार, नॉर्थ इंडियन टेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने की खीर। साबूदाने की खीर हमारा नवरात्रि स्पेशल है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। खीर को मैं केसर डाल के बनाऊंगी, जिससे खीर खाने में और भी टेस्टी लगती है और खीर का कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो इस नवरात्रि में इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। तो साबूदाने की खीर के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस तरह हैं। तो यहाँ पे मैंने खीर के लिए छोटे वाले साबूदाने लिए हैं, ये देखिए, इससे खीर बहुत ही टेस्टी लगती है। ये मैंने मेजरमेंट कप से 1/3 लिया है। तो ये देखिए, ये हमारा मेजरमेंट कप है, 1 कप, 1/2 कप और 1/3। तो यहाँ पे मैंने 1/3 वाला यूज किया है, क्योंकि साबूदाना भिगोने के बाद इसकी क्वांटिटी काफी बढ़ जाती है। ये देखिए, ये भीगे हुए साबूदाने हैं, ये देखिए कितनी ज्यादा क्वांटिटी में ये हो गया है। इतनी ही क्वांटिटी में हमें खीर बनानी है। साबूदाने को हमें 4 से 5 पानी से अच्छे से धोना है, ताकि इसमें जरा भी स्टार्च नहीं रहे। 1/3 कप मैंने साबूदाना लिया था, तो 1/3 कप ही मैंने पानी में भिगोया है इसे, और 3 से 4 घंटे हमें इसे भिगो के रखना है। 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क, जिसे मैंने बॉयल करके रखा है। 1 टेबल स्पून चिरौंजी, 2 टेबल स्पून किशमिश, 10 काजू और 10 बादाम, 1/2 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर, 2 टेबल स्पून के लगभग पिस्ता है, जिसे मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ है, 2 पिंच केसर, जिसे मैंने गर्म दूध में 1 घंटा पहले भिगो के रखा था, ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए। टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर डालेंगे। तो पहले मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को, काजू, बादाम और पिस्ते को बारीक काट लेती हूँ, उसके बाद साबूदाने की खीर बनाएंगे। तो काजू, बादाम और पिस्ते को मैंने बारीक काट दिया है, अब मैं साबूदाने की खीर बनाऊंगी। तो गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और गैस को ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें दूध डालूंगी। दूध को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, अब मैं इसे अच्छे से बॉईल करूंगी, उसके बाद ही साबूदाना डालूंगी। तो दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो रहा है, अब मैं इसमें साबूदाना डालूंगी। साबूदाने को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, अब मैं इसे दूध के साथ अच्छे से पकाऊंगी। तो 1 मिनट तक मैंने इसी तरीके से लगातार चलाते हुए गैस को हाई फ्लेम पे रखा है। ये देखिए, काफी गाढ़ा हो रहा है हमारा खीर। अब मैं इसमें केसर मिल्क डालूंगी और छोटी इलायची का पाउडर, केसर मिल्क, छोटी इलायची का पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। केसर मिल्क मैंने पहले ही डाल दिया है, ताकि हमारी खीर का कलर अच्छा आ जाए। तो केसर डालने के बाद मैंने गैस को हाई फ्लेम पे रख के 2 मिनट तक और पकाया है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डालूंगी, क्योंकि खीर हमारी काफी गाढ़ी हो रही है। ये देखिए, साबूदाना हमारा ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है, इसका मतलब साबूदाना हमारा अच्छे से पक चुका है। तो अब मैं इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स डालूंगी और थोड़े थोड़े बचा के रखूंगी बाद में डालने के लिए।
सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी और फिर से पकाऊंगी। खीर का कलर बहुत ही अच्छा आया है। तो अब मैं इसमें शुगर ऐड करूंगी। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। यहां मैंने 4 चम्मच शुगर डाला है। शुगर डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी और गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे। तो लो फ्लेम पे मैंने 10 मिनट तक खीर को और पकाया है। ये देखिए, खीर हमारी पूरी तरीके से रेडी है। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून के लगभग शुगर और ऐड किया है। साबूदाने की खीर ना हमारी बहुत ज्यादा गाढ़ी है और ना ही ज्यादा पतली है। जैसी हमें चाहिए वैसी बनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा गाढ़ी खीर भी नहीं अच्छी लगती है साबूदाने की। तो अब मैं गैस को बंद करूंगी और थोड़ा ठंडा होने पे सर्व के लिए निकालूंगी, क्योंकि खीर हमारी पूरी तरीके से रेडी है। तो साबूदाने की खीर हमारी ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसे सर्व के लिए निकालूंगी एक बड़े बोल में। तो साबूदाने की खीर को मैंने एक बड़े बोल में निकाल दिया है। अब मैं इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश करूंगी। तो साबूदाने की खीर को मैंने ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है। साबूदाने की खीर हमारी बहुत ही अच्छी बनी है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आया है। तो इस नवरात्रि में इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। तो अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिए।